गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना भाई, इतना मेहनत करना पड़ेगा इस। मैंने इस वीडियोस के अंदर इंट्रोडक्शन भी नहीं मारा होगा इस, पानी के अंदर मारना पड़ेगा इस, वो भी ट्यूब फूटने के बाद। गाइस मैं ऐसा मतलब इतने सारे वीडियो बनाए गए मेरे चैनल के ऊपर, लेकिन ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ कि मैं इंट्रोडक्शन नहीं मार के इस वीडियो को स्टार्ट किया है। तो आप लोग प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और ये वाला जो टॉपिक है ना गाइस, हम लोग एक साल पहले सोचा था, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास बाइक नहीं था, ड्रोन भी नहीं था, अच्छा कैमरा भी नहीं था, जिससे कि आप लोगों को एक शानदार सा नज़ारा आप लोगों को दिखा सकूं। तो वैसे कितना दिखा पाएगा इस पता नहीं, ठीक है, जितना हो सके उतना ही करने की कोशिश किया। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, मैं पहली बार बात करने वाला हूँ यहाँ पे। कम से कम 100 से 200 लोग इकट्ठा हो चुका था, ठीक है, और मैं अभी बाद में बात करता हूँ आपसे। पहले इसको पानी पर तैरते इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए, पूरा गाँव का लोग आ चुका है, ठीक है, मैं जहाँ पर शूट करने आया हूँ। और गाइस आज गाइस मैं पानी में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि गाइस आज मेरे साथ मेरे जिंदगी में गाइस पहली बार मतलब शूट करते टाइम इतना पब्लिक आ गया गाइस, मेरे को शर्म आ रहा है इतना ज्यादा, मैं बातें भी नहीं बोल सकता गाइस, इतना शर्म आ रहा है मेरे को। सो हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, नर्वस हो गए थे इतना ज्यादा कि यहाँ पे हम लोग कैमरे के सामने आके बात भी नहीं कर पाया। और यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ 150 से 200 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, और मतलब जहाँ पे जिस लेक में हम लोग शूट कर रहे हैं उसके चारों तरफ बहुत सारे मतलब गांव के सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पे देख सकते हो ये जो लोग हैं ना, ये लोग नहीं रहते तो हम लोग इसको पानी में नहीं उतर सकते, तो इन लोगों के बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि ये लोग अगर नहीं रहते तो हम लोग इस वीडियो को सक्सेसफुली भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग चार लोग ही आए थे शूट करने के लिए। सो इस वीडियो के बीच में तो मैंने बात नहीं कर सका, लेकिन आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, और हम लोग आगे जाके बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं लोगों के बीच में जाके। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आए जाएंगे इसके मतलब यहाँ पे। सो इस पहले तो यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आए हुए थे, यहाँ पे बच्चे लोग थे 10-15, उसके बाद सारे के सारे गांव यहाँ पे देख सकते हो, दूर दूर तक जितने भी गाँव दिख रहा है लेक के साइड में, वहां से कम 200 लोग तो आए हुए थे, ठीक है। चलो
ताला नौ बजे चलता। मेरे घर से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर आया था पानी के ऊपर बाइक को चलाने के लिए, और यहाँ पे आ गाइस इतना ज़्यादा परेशानी झेलने पड़े इस वीडियो को करने के लिए। लगभग 5 दिन मेहनत किया गाइस, 5 दिन के बाद इस बाइक को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। लेकिन गाइस जब हम लोग इस बाइक को चला रहा था ना, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस एक ट्यूब के अंदर एक लीक हो गया, देख सकते हो यहाँ पे ट्यूब फट गया था और गाइस बाइक पूरा उलट गया। मेरा बाइक के अंदर चारों तरफ पानी की पानी भर गया है, पता नहीं कैसे वो आगे जाके बाइक चल पाएगा कि नहीं गाइस आप लोगों को बता। इंटरेक्शन तो नहीं मार पाए हम लोग, तो आपका ये मतलब कैसा लगा इतने सारे लोगों के बीच में वीडियो करने के टाइम को? मतलब वीडियो करने में भी मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं थोड़ी गई ऐसा मूवी शूट करना हो या सीरियल शूट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या शूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शर्म आएगा। मैं इंटरेस्ट शूट नहीं पा रहा, वीडियो अच्छे से बना नहीं पाया, तो प्लीज़ यार इतना सपोर्ट कर दो जिससे गाइस मेरे को हिम्मत मिले सबके सामने बात करने की। प्लीज़ यार प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ गाइस। 800 सब्सक्राइबर है गाइस, और के जल्दी जल्दी कर दो बस, और के कर दो, और भी धमाल धमाल वीडियो आने वाला है, ठीक है। सो गाइस बाइक का हालात पूरी तरीके से खराब हो चुका है, हमारा एक ट्यूब गाइस पंचर हो चुका है, देख सकते हो सारे का सारे ट्यूब वहाँ पे जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जल्द से और भी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इधर से वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, ऐसे डिस्ट्रिक्ट और वैसे वीडियो देख लें।
लिए जय हिंद जय भारत।